आम आदमी पार्टी का विधायक, यहाँ के उत्तम नगर का विधायक नरेश बाल्यान ने जिस तरीके से इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के साथ में नया धंधा स्टार्ट किया है और यहाँ के हमारे भोले भाले भाइयों को फ़ोन करवाकर और उनसे करोड़ों रुपए की इनकम इकट्ठा करके और पीछे 15 अप्रैल को एक हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ से निगम का चुनाव भी लड़े, हमारे भाई सुरेंद्र मटियाला का मर्डर हुआ, तो उसके अंदर भी बताते हैं इसी नरेश बाल्यान का हाथ है कि यहाँ के लोगों को फ़ोन करवाना और उनसे करोड़ों रुपए की मांग करना और उसमें 30% अपना कमीशन रखना, 70% वहाँ के गैंगस्टर को पहुँचाना जो कि यूके में रहता है। तो ये एक अपना राजद्रोह का मामला है, ऐसा हमने कभी नहीं सुना, आज तक कभी नहीं सुना था आज़ादी के बाद कि कोई नेता अपने क्षेत्र की जनता के साथ में ऐसा कर सकता है। जैसा 3 बार का विधायक यहाँ से चुना गया उसके बाद भी क्षेत्र की जनता को लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो ऐसे आदमी को हमारी मांग है कि CBI की जांच होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस इसको तुरंत अपना गिरफ्तार करना चाहिए। सर, एक तरफ अरविंद केजरीवाल इतने बड़े बड़े टॉपिक्स की बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, लेकिन अगर एक्सटॉर्शन की बात करें, ये एक्सटॉर्शन का मैटर कल से चल रहा है, हाउस में चल रहा है, लेकिन अभी तक केजरीवाल जी के मुंह से कुछ भी नहीं सुनने को मिला है। देखिए, केजरीवाल ने उनका एक मंत्री बलात्कार के अपना आरोप में उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, तब केजरीवाल कुछ नहीं बोला। तो एक उनका स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल से जेल में, तब वो कुछ नहीं बोला। एक उनका मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री 6 महीने से ज़्यादा से जेल में, तब वो कुछ नहीं बोला। मेरे को नहीं लगता अरविंद केजरीवाल कुछ बोलेगा। उसका कारण ये है कि ये सारा पैसा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पास जा रहा है और ये जो अपना भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये सारे इन्हीं पैसों से चुनाव लड़ रहे, विज्ञापन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का भी ऐसे लोगों को श्रेय प्राप्त है। देखिए, या तो अरविंद केजरीवाल को मालूम नहीं है या वो अपना उसने संसद की कार्रवाई नहीं देखा और या उसके खुद के सांसदों ने उसको कुछ नहीं बताया, क्योंकि संसद में हमारे गृहमंत्री जी ने कई देर तक मणिपुर के ऊपर में चर्चा करी, 3 दिन मणिपुर के ऊपर में सेशन चला, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, उन्होंने मणिपुर की चर्चा करी, उससे पहले सारा विपक्ष अपना वॉकआउट करके चला गया। तो इनमें इतना भी पेशेंस नहीं है कि 3 दिन पहले तो इन्होंने हाउस नहीं चलने दिया, 3 दिन चर्चा हुई और जब प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे तब वो उनको सुनने का भी पेशेंस नहीं था। तो ये केवल ड्रामा कर रहे हैं मणिपुर का, कोई मणिपुर इनके जहन में नहीं है, इनके जहन में केवल अपना राजनीति करने का षड्यंत्र है और केवल प्रधानमंत्री को हराने का षड्यंत्र है जो कि कभी देश की जनता पूरा नहीं होने देगी। 1993 में हमने मुंबई के अंदर देखा था किस तरीके से दाऊद अपने गुंडों से वसूली करवाता था, आज 30 साल के बाद दिल्ली के अंदर केजरीवाल नाम का एक दाऊद पैदा हो गया है जो अपने विधायकों से दिल्ली के अंदर जो व्यापार करते हैं उनसे वसूली करवाता है, उनको कहता है कि मुझे पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हें उठवा दूंगा, इतना हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, इतना मेरे विधायक को मिलना चाहिए। ये पहली बार देश ने किसी सरकार ने देखा है। हम मांग करते हैं कि ऐसे विधायक को केजरीवाल बर्खास्त करे, नहीं तो ये पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल का भी इसमें हिस्सा है। हम दिल्ली पुलिस से भी मांग करते हैं कि नरेश बाल्यान का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए, वो देश को छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे हैं।